आई एम लीजेंड 2007 की एक साई फाई थ्रिलर फिल्म है जो एक मिलिट्री वायरोलॉजिस्ट की कहानी बताती है जो कि एक संक्रामक वायरस का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है जिसने लोगों को वैम्पायर जैसे जीवों में बदल दिया है। यह रिचर्ड मैथसन की किताब आई एम लीजेंड पर आधारित है। फिल्म एक ऑफ स्क्रीन आवाज से शुरू होती है जो बाद में पता चलता है कि एक टीवी की आवाज है। एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। इस महिला डॉक्टर का नाम एलिस क्रिपिन है। ये डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू लेने वाली एंकर जब पूछती है कि आपने आज तक कितने लोगों का इलाज किया है तो वो बताती है 10,000 लोगों का और सबके सब ठीक हो गए हैं, मतलब इनका इलाज 100% काम करता है। और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। आगे फिल्म की कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर अमेरिका के शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है जो पूरे तरीके से वीरान हो गया है। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियां लगी होती हैं लेकिन कोई भी इंसान नहीं होता। तमाम बिल्डिंग्स खाली होती हैं, कोई इंसान यहाँ नजर नहीं आ रहा होता है। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि एक लाल कलर की कार बहुत स्पीड से आ रही होती है। उस गाड़ी के अंदर इस फिल्म के मेन हीरो रॉबर्ट नेविल और डॉग सैमंथा होती है जिसे वो प्यार से सैम कहते हैं। हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट तेज गाड़ी चलाते हुए हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। हिरन तेजी से भाग रहा होता है और वो स्पीड में इसके पीछे जा रहे होते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद जब ये हिरन का शिकार करने लगते हैं तो उसी वक्त एक शेरनी आ जाती है और वो उस हिरन को झपट कर उसका शिकार कर लेती है। अब रॉबर्ट नेविल चाहते तो अपनी गन से शेरनी को मार कर ये शिकार छीन सकते थे लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शाम हो जाती है और रॉबर्ट के घड़ी का अलार्म भी बज रहा होता है। इस अलार्म का मतलब होता है कि उनको घर वापस लौटना है और अंधेरा होने से पहले अपने घर में वापस पहुंचना है। अब उसे ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इंसानों और जानवरों में क्रिपिन वायरस फैलने से वो वैम्पायर यानी कि दानव बन चुके हैं। वायरस के इन्फेक्शन से उनके शरीर के सारे बाल गिर जाते हैं और स्किन अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए काफी सेंसिटिव हो गई है जिससे ये म्यूटेंट रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमेशा इंसानी खून के प्यासे होते हैं। इन म्यूटेंट को डार्क सीकर कहा जाता है। इसलिए रॉबर्ट का अलार्म बजते ही वो अपने घर की तरफ चल देता है। अब वो अपने घर में पहुंच चुके हैं और घर के अंदर रॉबर्ट और उनका डॉग सैम मिलकर खाना खाते हैं और अपने घर को अच्छे तरीके से सील करते हैं। सभी डोर को लॉक करके सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है ताकि बाहर से किसी भी डार्क सीकर का उनका पता ना चले। रॉबर्ट को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है और हम देखते हैं कि रॉबर्ट और सैम एक साथ बाथटब में एक राइफल के साथ सो रहे होते हैं और उसी दौरान बाहर से बहुत डार्क सीकर की आवाजें आ रही होती हैं। और अब यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट नेविल अपनी फैमिली के साथ होता है और वहां से वो अपनी बीबी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा होता है। नेविल अपनी वाइफ को बताते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का खाना अपने पास लेकर अरेंज कर लेना और एटीएम से पैसे निकलवा कर अपने पास रखना। वो अपनी वाइफ को ये भी बताते हैं कि आर्मी 1 घंटे में इस एरिया को सील कर देगी। उनकी वाइफ बहुत परेशान होती है। वो पूछती है कि क्या यह वायरस हवा से फैल रहा है। इस वक्त रॉबर्ट को भी कुछ पता नहीं होता और वो कहते हैं कि हाँ शायद कुछ ऐसा ही है। इसके बाद ये एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट आकर ये देखते हैं कि वहां बहुत से लोग मौजूद हैं क्योंकि सब लोगों को अपनी जान बचानी है और सब लोगों को शहर से बाहर किसी सिक्योर जगह पर जाना है। लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को इजाजत देती है जो इन्फेक्टेड नहीं है ताकि यह बीमारी दूसरे शहर में ना जा पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक खास किस्म की मशीन सिक्योरिटी के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो यह बता देती है कि इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं। इस मशीन से रॉबर्ट का बच्चा तो क्लियर हो जाता है लेकिन उसकी वाइफ इस मशीन से गुजरती है तो पता चलता है कि वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड है जिससे रॉबर्ट की वाइफ को सिक्योरिटी वाले रोक देते हैं। अब नेविल क्योंकि सीनियर ऑफिसर है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं मेरी वाइफ है, इसको जाने दो और मेरे ऑर्डर पर मेरी वाइफ को दोबारा चेक करो। और जब सिक्योरिटी उनकी वाइफ को दोबारा चेक करती है तो मशीन उसको क्लियर बताती है, यानी ये अब मशीन बताती है कि वाइफ को कोई वायरस नहीं है और वो दूसरे शहर जा सकती है। रॉबर्ट क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर है तो उनकी फैमिली को एयरलिफ्ट के लिए एक हेलीकॉप्टर का अरेंज किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करता है तो सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर अटैक कर देते हैं और वो दूसरे वाला हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस होकर रॉबर्ट के फैमिली वाले हेलीकॉप्टर पर आकर टकरा जाता है जिसकी वजह से दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और इस क्रैश की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर्स में मौजूद लोग मारे जाते हैं जिसमें रॉबर्ट की वाइफ और उनकी बेटी भी होती है। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक लेबोरेटरी के अंदर मौजूद होता है और वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए वैक्सीन बना रहा होता है। इसी लैब में बहुत से इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं ताकि इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और ये टेस्ट किया जा सके कि जो एंटीडॉट बनाए जा रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से काम करते हैं या नहीं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट वो ये भी चेक करता है कि इन चूहों पर वैक्सीन का क्या प्रभाव पड़ता है जो इन्हें पिछले टाइम दिया गया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि चूहों की हालत अभी भी वैसे ही खराब है, वो बहुत एग्रेसिव हैं और अभी तक ये एंटीडॉट इन पर असर नहीं कर रहा है। और इसी बीच रॉबर्ट की नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो बिल्कुल शांत होकर बैठा था। वो बाकी चूहों की तरह एग्रेसिव नहीं होता है। रॉबर्ट को लग रहा होता है कि जो वैक्सीन मैंने इस चूहे को दी है वो कामयाब हो रही है क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, और उसको लगता है कि शायद यही सही वक्त है कि अब इंसानों पर भी इस मेडिसिन का टेस्ट किया जाए ताकि जितने इंसान डार्क सीकर बन गए हैं उन्हें इन्फेक्शन से बचाकर फिर से इंसान बनाया जाए। कहानी अब आगे बढ़ती है। रॉबर्ट अभी पूरे मैनहट्टन शहर में अकेला है। रॉबर्ट अब एक सीडी शॉप में जाता है जहाँ पर ढेर सारे पुतले हैं। वो उनसे बातें करता है जैसे कि वो पुतले कोई इंसान हो। इसके साथ ही रॉबर्ट पूरे तरीके से एक काम डेली बेसिस पर करता है। वो रोज दिन में 12 बजे टूटे हुए ब्रुकलिन ब्रिज पर जाता है और FM रेडियो के थ्रू सिग्नल भेजता है कि अगर कोई इंसान उसे सुन रहा है तो आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो मैं मौजूद हूँ, मैं आपको खाना दे सकता हूँ, मैं आपके लिए शेल्टर दे सकता हूँ, इस उम्मीद पर कि एक दिन उसे कोई न कोई सुनेगा और उसे कोई बात करेगा। वो इस बात पर बिलीव करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे और भी कोई हो सकता है जो मुझे सुनेगा और मैं उसे मिल सकूंगा। अब शिकार के सिलसिले में रॉबर्ट को एक और हिरन नजर आता है। रॉबर्ट और सैम हिरन का पीछा करते हुए एक कमरे के करीब पहुंच जाते हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है। रॉबर्ट उस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता लेकिन सैम उसी कमरे में चला जाता है जहां पर बहुत अंधेरा होता है क्योंकि रॉबर्ट अपनी डॉग से बहुत प्यार करता था तो वो भी अपने डॉग के लिए उस अंधेरे कमरे में चला जाता है। रॉबर्ट के गन के आगे लाइट लगी होती है जो उसे सैम को ढूंढने में मदद करती है और सैम मिल जाता है तो रॉबर्ट सैम से कहता है चलो हम घर चलते हैं, लेकिन सैम बहुत डरा हुआ होता है। और इसी दौरान रॉबर्ट को उस कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। रॉबर्ट जब अपने राइट लेफ्ट देखता है तो वहां पर उसकी नजर एक डार्क सीकर पर पड़ती है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करता वो उसको गोलियों से छलनी कर देता है और फौरन सैम को लेकर भागने लगता है। इसी शोर को सुनते हुए बाकी डार्क सीकर भी अब बाहर आ जाते हैं और रॉबर्ट के पीछे भागने लगते हैं। एक डार्क सीकर रॉबर्ट के बहुत करीब आ जाता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो खिड़की से छलांग लगा देता है और उसके पीछे एक डार्क सीकर रोशनी में आ जाता है और रोशनी में आते ही वह जलकर मर जाता है क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि डार्क सीकर लाइट को सहन नहीं कर सकते। इसी बीच रॉबर्ट को एक खुशी की बात पता चलती है। उसे ये पता चलता है कि इस कमरे में डार्क सीकर मौजूद हैं। तो मैं क्यों ना इनमें से किसी एक को पकड़ लूं और मैं अपने लेबोरेटरी में ले जाकर इन पर टेस्ट करके एंटीडॉट को बना सकूं और इन सबको ठीक कर सकूं। अब डार्क सीकर को पकड़ने के लिए रॉबर्ट एक ऐसा जाल बनाता है, वो एक रस्सी से एक फंदा बनाता है और इसी दौरान वो सैम को कहता है कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे रॉबर्ट अपनी बात ही नहीं करते क्योंकि वो डेली बेसिस पर डिफरेंट एंटीडॉट की डोजेज ले रहे होते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बच सकें। थोड़ी देर में इन्हें पता चलता है कि वो जो जाल बिछाया था उसमें एक फीमेल डार्क सीकर फंस चुकी है। अब वो डार्क सीकर रॉबर्ट के कब्जे में आ चुकी है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि जो अंधेरा वाला रूम था वहां से एक म्यूटेंट खिड़की पर आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। वो रॉबर्ट को देखता है जैसे कि वो उससे बदला लेना चाह रहा हो। खैर उस डार्क सीकर को लेकर रॉबर्ट अपनी लैब में आ जाता है। अब रॉबर्ट को इस म्यूटेंट पर वही वैक्सीन इस्तेमाल करते हुए देखते हैं जो उन्होंने चूहे पर की थी। एंटीडॉट लेने के कुछ ही बाद ही डार्क सीकर की सांसें धीरे होने लगी, उसका हार्ट रेट कम होने लग जाता है। रॉबर्ट म्यूटेंट के बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए उसे आइस पर रख देता है और रॉबर्ट को उम्मीद होती है कि शायद ये ठीक हो रहा है। और उसी वक्त वो म्यूटेंट जाग जाती है और जोर से चीखें मारने लगती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। रॉबर्ट काफी मायूस होता है। यहाँ पर रॉबर्ट एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो इस बात का खुलासा करता है कि जो दवाई मैंने बनाई है वो मुझे इन्फेक्शन से तो बचा सकती है लेकिन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ठीक नहीं कर सकती। मैं बार बार इसी चीज का कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन डार्क सीकर्स को ठीक किया जा सके। इसके साथ ही वो एक बात और ऐड करता है, आज जब मैं उस डार्क सीकर को पकड़ रहा था तो एक म्यूटेंट मुझे घूर कर देखने लगा था और वो घूरते हुए रोशनी में भी आ चुका था। वो रोशनी का असर उस पर कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उनको भूख लगी है और वो अपने लाइफ स्टाइल को तेजी से चेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे वो खुद को धूप का आदि बना रहे हैं। अमेरिका के शहर मैनहट्टन में रहते हुए 1000 दिन से ज्यादा हो गए थे। अगले दिन रॉबर्ट और सैम दिन के समय में बाहर जा रहे होते हैं तो उस रास्ते पर वही पुतला बाहर दिखाई देता है जिससे वो सीडी शॉप पर बातें कर रहा था। अब ये देखकर रॉबर्ट का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से गोलियों से पुतले को छलनी कर देता है। अब जैसे ही वो कार से बाहर आता है तो उसका पांव एक फंदे में फंस जाता है, वो उल्टा होकर हवा में लटक जाता है। ये फंदा बेसिकली डार्क सीकर ने लगाया होता है। जैसे कि रॉबर्ट ने फीमेल डार्क
सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था। इससे पता चलता है कि डार्क सीकर भी सोचने और समझने की कैपेसिटी रखते हैं। अब रॉबर्ट हवा में लटका होता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अभी दिन का वक्त था। कुछ ही देर बाद रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, यानी शाम होने वाली है, और रॉबर्ट को उठाने के लिए नीचे से सैम बार बार भोंकता है। रॉबर्ट बेहोशी से उठ जाता है और अपनी जेब से चाकू निकाल कर रस्सी को काट देता है और नीचे गिरते हुए गलती से वही चाकू उसके पांव में घुस जाता है। रॉबर्ट और सैम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसी दौरान वही डार्क सीकर सामने आ जाता है जो रोशनी में आया था। उस डार्क सीकर के पास दो अपने डॉग्स भी थे जो कि इन्फेक्टेड हैं, और वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को रॉबर्ट और सैम पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। रॉबर्ट उन दोनों कुत्तों को मार तो देता है लेकिन गलती से वही कुत्ता सैम को भी काट लेता है। रॉबर्ट परेशानी के हालत में सैम को घर ले आता है, अपनी लैब में उसे तरह तरह की दवाइयां देता है कि शायद सैम ठीक हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। और फिर रॉबर्ट रोते हुए सैम का गला दबाकर उसे मार देता है क्योंकि अब इसका डॉग मर चुका है तो वो फिर से इस शहर में अकेला हो चुका है। इसके अलावा और कोई भी इसके साथ नहीं था और ये सीन बहुत सैड होता है। रॉबर्ट बहुत परेशान और गुस्से में है और इसी गुस्से की हालत में वो दिन में बाहर नहीं निकलता बल्कि अब रात को बाहर जाता है ताकि वो सभी म्यूटेंट को मार दे। यही सोचकर वो एक तेज रफ्तार गाड़ी में जा रहा होता है और रास्ते में जितने भी डार्क सीकर आते हैं उनको कुचलता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन एक वक्त पर आकर वो फंस जाता है। उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब रॉबर्ट जख्मी है और जख्मी हालत में वही डार्क सीकर जिसने उस पर डॉग्स छोड़े थे रॉबर्ट को मारने के लिए आ जाता है। बेसिकली ये डार्क सीकर इन तमाम डार्क सीकर का सरदार था। इससे पहले कि वो डार्क सीकर रॉबर्ट को नुकसान पहुंचाता, एक बहुत तेज रोशनी यहाँ पर आती है। इसकी वजह से तमाम डार्क सीकर्स भागकर अंधेरे में छुप जाते हैं क्योंकि रॉबर्ट का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो काफी सेंसलेस हालत में होता है। और इसी टाइम आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं। रॉबर्ट थोड़ा बेहोशी के हालत में मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है। अगले सीन में रॉबर्ट जब सोकर उठता है तो वहाँ टीवी चल रहा होता है। जब वो बेहोशी से उठता है तो देखता है कि उसके कमरे में एक लेडी जिसका नाम एना है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम एथन है। उन दोनों को रॉबर्ट देखकर हैरान होता है लेकिन खुश भी होता है। एना बताती है कि हमने आपका FM रेडियो पर मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर हम आपके पास आए हैं। आगे वो ये भी बताती है कि आपने जिस पुल पर मिलने के लिए कहा था हम पूरे दिन उस जगह पर इंतजार करते रहे लेकिन आप वहाँ पे नहीं आए और हमने रात को देखा कि आप म्यूटेंट के बीच फंसे हुए हैं तो वहाँ पर आपको बचाने आ गए। वो औरत रॉबर्ट को ये भी बताती है कि हमारे साथ जितने साथी थे उन सबको डार्क सीकर ने खत्म कर दिया है और अब हम दोनों ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ और भी इंसान जिंदा हो और जहाँ पर कोई वायरस नहीं हो। रॉबर्ट कहता है तुम इन गलत फहमियों से निकलो, ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन एना कहती है ऐसी जगह है। अब रॉबर्ट अपनी डेली रूटीन के मुताबिक घर को लॉक कर रहा होता है। इसके घर में इस वक्त एना और उसका बेटा भी मौजूद होता है। रॉबर्ट जब लॉक कर रहा होता है तो उसे बहुत से डार्क सीकर की आवाजें आती हैं। उसके घर के बहुत करीब रॉबर्ट को शक होता है और वो एना से पूछता है कि तुम रात को मुझे किस टाइम ले आई थी। तो वो बताती है बस सुबह होने वाली थी, जब तुम मुझे ला रही थी तो उन्होंने यकीनन देख लिया होगा। अब वो हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। रॉबर्ट इस चीज के लिए पहले से रेडी था और इसलिए उसने घर के बाहर बहुत सी माइंस बिछा रखी थी जिससे कोई भी डार्क सीकर घर के करीब आए तो वो फट जाए। इसी दौरान काफी म्यूटेंट का पैर माइंस पर आता है और वो ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ ही देर में डार्क सीकर घर के अंदर घुस जाते हैं जिनको रॉबर्ट अपनी गन से मार देता है। रॉबर्ट और एना को लगता है कि उन्होंने सभी म्यूटेंट को मार दिया है और अब घर में कोई दूसरा डार्क सीकर मौजूद नहीं है। अब ये उसी फीमेल डार्क सीकर के पास आते हैं जो उनके लैब में मौजूद है जिस पर ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ आके देखते हैं कि वो डार्क सीकर अब रिकवर कर रही होती है, यानी कि वो काफी हद तक इंसान बन चुकी है। इन्फेक्शन काफी हद तक कम हो रहा है, लगता है कि उनका इलाज कामयाब हो रहा है। और इसी दौरान उनकी लैब में बहुत से डार्क सीकर आ जाते हैं। लैब बहुत बड़ी है और एक बुलेट प्रूफ शीशा भी है और रॉबर्ट शीशे को बंद कर देता है। ये शीशा बहुत मजबूत है, इसका मतलब है कि डार्क सीकर उस पोर्शन में दाखिल नहीं हो सकते। तो कई डार्क सीकर शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं होते, जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट चीख चीख कर कह रहा होता है ये देखो ये भी तुम्हारी तरह एक डार्क सीकर है, ये ठीक है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। और इसी डिस्कशन के दौरान इन डार्क सीकर का बॉस सामने आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है, वो शीशे पर अपनी सर से टक्कर मारने लगता है। हम देखते हैं कि उसी समय शीशे पर दरार आने लगती है, धीरे धीरे वो शीशा टूटने लगा था। इससे पहले कि शीशा टूटता रॉबर्ट उस डार्क सीकर का ब्लड सैंपल ले लेता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि अब उसको लगता है कि वैक्सीन मैंने ढूंढ लिया है। और एना को एक
एक सेफ चैम्बर में बंद कर ब्लड सैंपल देते हुए कहतुमी, जब तुम उस बस्ती में पहुंचना तो ये सैंपल उनको दे देना, क्योंकि यही इस बीमारी का इलाज है। तो एना रॉबर्ट से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, बट रॉबर्ट कहता है तुम लोग जाओ, ये लोग रुकने वाले नहीं है, इनको मुझे ही खत्म करना होगा। यहाँ पर रॉबर्ट एक दरार को ओपन करता है और वहाँ से एक हैंड ग्रेनेड निकालता है, भागते हुए म्यूटेंट के पास आ जाता है, उन तमाम म्यूटेंट के पास जाकर अपनी हैंड ग्रेनेड को ओपन कर देता है और यहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसमें रॉबर्ट और तमाम डार्क सीकर मर जाते हैं। ये हम सबके लिए एक सैड मोमेंट था। अब हम देखते हैं कि एना यानी कि वो लड़की यूएस मिल के पास होती है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो जाना चाहती थी, यानी कि एक ही जगह जहां पे बचे हुए इंसान मौजूद हैं। वहां पर हाई सिक्योरिटी है ताकि कोई भी डार्क सीकर ना आ सके। यहां पर एना को प्रोटेक्शन मिलती है और वो ब्लड सैंपल वहां पर मौजूद सिक्योरिटी को दे देती है। ये ब्लड सैंपल वही क्योर था जो रॉबर्ट ने एना को दिया था। इसी तरह रॉबर्ट ने अपनी जान देकर पूरे इंसानियत को बचाया और इसीलिए शायद इस मूवी का नाम है आई एम लीजेंड। दोस्तों मूवी की फिलॉसफी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कोरोना और लॉकडाउन की याद दिला देता है। साथ ही इस मूवी में हम एक इंसान के अकेलेपन को भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि रॉबर्ट अकेले में पुतले से बातें करता है। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।